क्लास एट मैथ एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ गए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर में से, ठीक है, के दो डिजिट में, टू डिजिट नंबर कोई भी है उसके दो डिजिट में एक जो है, एक डिजिट जो है वो क्या है, कोई भी दो डिजिट में से, ठीक है, एक डिजिट, कोई भी एक डिजिट क्या है, थ्री टाइम्स द अदर डिजिट, एक डिजिट जो है दूसरे डिजिट से थ्री टाइम्स है। इसका मतलब ये जो है, यदि ये थ्री टाइम्स के लिए क्या लेना पड़ेगा, सिक्स है तो ये क्या है, टू है, ठीक है, और थ्री है तो वन है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, एक डिजिट या फिर वन है तो थ्री है, ठीक है, टू है तो सिक्स है, ठीक है, कोई भी एक डिजिट दूसरे डिजिट से थ्री टाइम्स है। इफ यू इंटरचेंजिंग द डिजिट, अब इसी डिजिट को यदि आप इंटरचेंजिंग, अब ये वाला डिजिट यदि है तो इसको यदि इंटरचेंजिंग कर देंगे तो क्या होगा, एंड एड रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और दोनों नंबर को यदि एड कर देंगे, इसको और इसको दोनों को एड कर दिए, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, 88 मिलता है, हमको नंबर बताने का है, ठीक है, तो नंबर इस तरह से निकलेगा, देखिए, मान लेते हैं लेट, ठीक है, हमको पता नहीं है कि कौन सा डिजिट किस तरह का है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वन डिजिट इक्वल टू एक्स, ठीक है, वन डिजिट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो सो अदर डिजिट क्या होगा, जो दूसरा डिजिट है, सेकेंड डिजिट है, वो क्या होगा, वो थ्री टाइम्स है द अदर डिजिट का, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री टाइम्स, ठीक है, और यदि अदर डिजिट एक्स है तो फर्स्ट डिजिट जो है वो थ्री एक्स हो जाएगा, दोनों में थ्री का फर्क है, थ्री टाइम्स का फर्क है, ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा, सो नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या हो जाएगा, टेन, इसको यदि वंस प्ले डिजिट लेते हैं तो इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स, सॉरी, इसको यदि टेंस प्लेस लेते हैं तो थ्री एक्स के साथ मल्टीप्लाई और वंस प्लेस के साथ प्लस होता है, ठीक है, तो टेन इंटू थ्री एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो है एक्स ही मान लीजिए कि टेंस प्लेस में है तो वैल्यू इस तरह का हो जाएगा, ये होगा या ये होगा, नंबर जो होगा 10 इंटू थ्री एक्स प्लस, यानी ये 10 नंबर में हो या ये 10 नंबर, ये वंस नंबर में हो या ये वंस नंबर में हो, ठीक है, दोनों कंडीशन में मैंने ये आपको बता दिया, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30x प्लस एक्स, और यहां क्या हो जाएगा, 10x प्लस 3x, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 31x, और यहां क्या हो जाएगा, या 13x, ठीक है, नंबर जो है या तो हमारा 31x होगा या 31x होगा या 13x होगा, ठीक है, अब क्वेश्चन है इफ यू इंटरचेंजिंग द डिजिट, ठीक है, तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट क्या हो जाएगा, आफ्टर इंटर चेंजिंग द डिजिट, डिजिट को आप इंटरचेंज कीजिए, वैल्यू कैसा होगा, जो वन डिजिट होगा, ठीक है, या जो फर्स्ट डिजिट होगा, ठीक है, फर्स्ट डिजिट जो होगा वो होगा 3x होगा, क्योंकि हमने पहले फर्स्ट डिजिट जो है x माना था, तो अभी हमको 3x मानना पड़ेगा, ठीक है, और
सेकेंड डिजिट क्या होगा? एक्स, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा? सो नंबर क्या होगा? या तो टेन एक्स प्लस थ्री एक्स, ठीक है, और टेन थ्री एक्स प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू टेन एक्स थ्री एक्स थर्टीन एक्स या थर्टी वन एक्स। ओके, वैल्यू सेम टू सेम आता है, थर्टी वन एक्स थर्टीन एक्स या थर्टीन एक्स और थर्टी वन एक्स, ठीक है। तो क्या बोलता है? इफ यू इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर, इंटरचेंज यदि हमने कर दिया और एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, अब ये दो नंबर को हमको एड करना है, ठीक है। तो ये दोनों को एड करने से हमको क्या मिलेगा? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन क्या बोलता है? कि जो वैल्यू है, पहला डिजिट जो है और सेकेंड डिजिट जो है, दोनों को फर्स्ट नंबर जो है, डिजिट से बना हुआ फर्स्ट नंबर जो है और सेकेंड नंबर जो बना, उन दोनों को यदि एट द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड कर दें तो 88 हमको गेट होता है, ठीक है। तो ये जो है 31x plus 13 बराबर 88 लिखिए या 13x plus 31, बात तो एक ही है। तो दोनों कंडीशन में दोनों यदि एड होगा तो सेम टू सेम, यदि 31x plus 13 लिखिए या 13 plus 31, बात तो एक ही है, अलग नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया कि हम क्या लिखेंगे इसमें? सेम फॉर बोथ पार्ट, ओके, सेम फॉर दोनों पार्ट के लिए सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। तो वैल्यू अब आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 44x इज इक्वल टू 58, ठीक है, डिवाइड 44 से आप कर दीजिए, यहाँ भी 44 से कीजिए, 44 वन जा 44 वन जा 44 वन जा 44 41 फोर टू जा 88 हो गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 44 से डिवाइड किए, वैल्यू क्या आ गया? एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो वन डिजिट जो है हमारा, वन डिजिट आ गया टू और सेकेंड डिजिट, सो वन डिजिट इज इक्वल टू टू, ठीक है, और सेकेंड डिजिट क्या हो जाएगा या अदर डिजिट क्या हो जाएगा? अदर डिजिट इज इक्वल टू, यहां पे एक्स इक्वल टू टू कीजिए, एक्स हमने माना है, ठीक है, थ्री एक्स इक्वल टू थ्री इंटू टू इक्वल टू सिक्स, ठीक है। सो नंबर क्या हो जाएगा? सो नंबर इज इक्वल टू टेन इंटू, जो टेंस हम जो मान रहे हैं, कोई भी एक को टेंस मान लीजिए और टू को प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 62, और क्या लेंगे? टेन इंटू टू को आगे मान लीजिए और सिक्स को पीछे, 26, ठीक है, 62 भी आंसर है और 62 और 26 दोनों आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यदि आप इस तरह से भी मानेंगे, लेट वंस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा? वो 3x होगा, ठीक है, तो उस तरह से थोड़ा सा वो बड़ा आएगा, ठीक है।
तो या तो नंबर ये होगा या तो सीधा हमने वन डिजिट ही मान लिया, तो सीधा सीधा वैल्यू हमारा लास्ट में 62 और 26 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।